वेलकम इन गृहित एकेडमी। आज हम 10 स्टैंडर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ेंगे और वो लेसन है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों ये लेसन बहुत सिंपल है, लेकिन कब सिंपल होगा? जब इसके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे तभी ये सिंपल होगा। तो आज हम इस लेसन के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को ट्रिक से पढ़ेंगे और ये लेसन 101% बहुत सिंपल होगा। तो पहले हम समझेंगे केमिकल फॉर्मूलेज को कैसे बनाते हैं, तो ये हमें समझना है ट्रिक से। तो इस ट्रिक से हम हर तरह के केमिकल फॉर्मूलेज को बना सकते हैं आसानी से, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे, वो छोड़ के हम हर एक फॉर्मूले को बनाएंगे। तो पहले हमें बेसिकली क्या चाहिए? तो पहले हमें बेसिकली चाहिए कुछ एलिमेंट्स के सिंबल। तो देखो बच्चों कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेटल जो हमें है वो मेटल है आपको मालूम है सोडियम। तो सोडियम का सिंबल क्या है? Na। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मेटल है उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट मेटल है उसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। उसके बाद जिंक। जिंक को हम क्या लिखते हैं? Zn लिखते हैं। Zn ये जिंक का सिंबल है। तो इंपॉर्टेंट मेटल्स के जो सिंबल है वो हमें लिखने हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कैल्शियम, ये भी इंपॉर्टेंट मेटल है। कैल्शियम के लिए क्या लिखते हैं? Ca। उसके बाद कॉपर, ये इंपॉर्टेंट मेटल है, कॉपर के लिए हमें लिखना है Cu। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों आयन, इसे फेरस भी कहते हैं तो उसे Fe कहते हैं। और पोटेशियम जो है तो पोटेशियम के लिए हम लिखते हैं K। तो मैंने क्या किया, आपको क्या ध्यान में लेना है, पहले ये सब मेटल्स है और उनके सिंबल है। तो पहले हमें समझना होगा सिंबल कौन कौन से। सोडियम का सिंबल Na है, मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, जिंक का सिंबल Zn है, कैल्शियम का सिंबल Ca है, कॉपर के लिए Cu लिखते हैं, आयरन के लिए Fe लिखते हैं और पोटेशियम के लिए हमें K लिखना है। अभी हमें ध्यान में क्या है, हमें प्रोडक्ट्स को बनाना है। अभी जो प्रोडक्ट जो ट्रिक्स अभी हम लिखने वाले उसी को आपको ध्यान में लेनी है। तो देखो पहला जो इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं हम ऑक्साइड। ऑक्साइड के लिए हमें O लिखना है, क्या लिखना है हमें? O। उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड के लिए हमें लिखना है सिर्फ S, क्या लिखना है? सिर्फ S। और उसके बाद हम लिखेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट का पहला लेटर C है तो लिखना है CO3। अब भी हम लिखेंगे नाइट्रेट, पहला लेटर N है तो इसे लिखेंगे NO3। उसके बाद लिखेंगे सल्फेट, तो सल्फेट पहला लेटर S है, फेट है तो SO4। उसके बाद हम बनाएंगे फॉस्फेट, यहाँ पे पहला लेटर P है, फेट है मतलब SO4। अभी हमें इम्पोर्टेंट जो लिखना है वो एक क्लोराइड, तो क्लोराइड को हमें लिखना है Cl2 या Cl। और अभी देखो हमने ऑक्साइड को लिखा, सल्फाइड को लिखा, कार्बोनेट को लिखा, नाइट्रेट को लिखा, सल्फेट को बनाया, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट है तो हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं OH, क्या लिखते हैं? OH। तो इस तरह से बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ इसे याद रखना है और इसी के आधार पे हम कोई भी फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। हमें कुछ डरने की बात नहीं या बाहर भी करना है, इसी ट्रिक से हमें चलना है। सिर्फ ये चीज़ें, ऑक्साइड को सल्फाइड को यस, कार्बोनेट को CO3, नाइट्रोइट को NO3, सल्फेट को SO4, सल्फॉस्फेट को PO4, क्लोराइड को Cl2 और हाइड्रोक्साइड को OH। अब कैसे बनाते हैं मोलिकुलर फार्मूले को यह भी देखना है। देखो पहला बनाएंगे जिंक ऑक्साइड, क्या होगा जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला? थोड़ा दिमाग से सोचो, जिंक के लिए हम क्या लिखते हैं? देखो जिंक के लिए क्या लिखते हैं हम? जिंक के लिए Zn। और ऑक्साइड को हमें क्या लिखना है? यहाँ पे देखो O, तो ये बना उसका फॉर्मूला। अभी बाइट करने की जरूरत नहीं, दिमाग से चलना है। अभी जिंक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अभी देखो एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखते हैं हम? Al। और क्लोराइड के लिए क्या लिखते हैं? यहाँ पे आ जाइए आप, ये देखो Cl2, ये होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। कोई भी बना सकते, कोई भी ले लो, आपके 10 स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में जितने भी है वो इस ट्रिक से बन सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अभी आपको ढूंढना है कॉपर का सिंबल क्या है, कॉपर के लिए हम क्या लिखते हैं?
तो यहाँ पे देखो कॉपर के लिए क्या लिखते हैं, देखो कॉपर के लिए क्या लिखना है हमें Cu। अब सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आइए अभी सल्फेट के लिए क्या लिखना है SO। ये देखो बच्चों बहुत सिंपल तरीके से होता है, ये बहुत सिंपल लेसन भी है, सिर्फ दिमाग से काम करना है। कैल्शियम क्लोराइड, अब देखो ना कैल्शियम के लिए क्या सिंबल है Ca, और क्लोराइड के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे Cl2SCl, ये कैल्शियम क्लोराइड का बना। आयन सल्फाइड, चलो आयन को क्या लिखते हैं हम Fe, और सल्फाइड को क्या लिखना है हमें S। ये देखो ये इसका भी फार्मूला बना, मतलब आप कोई भी फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। और एक लेंगे हम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अभी देखो सोडियम के लिए हम क्या लिखते हैं, ये देखो सोडियम के लिए क्या लिखना है हमें Na, और नाइट्रेट के लिए हमें क्या लिखना है NO3। तो इस तरह से हम कोई भी केमिकल फार्मूले को आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये मेटल्स के सिंबल याद करने हैं और इनको याद करने, इसके ऊपर सब डिपेंड है, ये याद आ जाएगा आपके तो आप केमिकल रिएक्शन की कोई भी रिएक्शन भी कर सकते हो और कोई भी फार्मूला आप आसानी से बना सकते हो, आपको बाइट करने की जरूरत। रिलेशन की जो कंसेप्ट जिसके ऊपर डिपेंड है वो वर्ड है केमिकल रिएक्शन। क्या होगा केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो सकती है, होगी, और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है ये भी समझना है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां न्यू सब्सटेंस भी बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी पहले से अलग रहेगी। तो डेली लाइफ का हमारा एग्जांपल लेंगे हम, तो देखो एग्जांपल से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे हम। तो हमारे डेली लाइफ का पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनेगा। तो इनिशियली पहला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, मिल्क। इससे क्या बनेगा, केमिकल रिएक्शन होके क्या बनेगा, कर्ड। तो देखो ये पहला सब्सटेंस कौन सा है, मिल्क, और इससे क्या बना, कर्ड। तो ये पहला सब्सटेंस है ना, इससे ये नया सब्सटेंस बना, तो केमिकल रिएक्शन हो गई। उसके बाद मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है और कर्ड की प्रॉपर्टी भी अलग है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है न्यू सब्सटेंस भी उसमें होता है और न्यू प्रॉपर्टी भी उस सब्सटेंस की होगी। पहला सब्सटेंस कौन सा है, मिल्क। मिल्क से क्या बनेगा, कर्ड। मिल्क की प्रॉपर्टी और कर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। तो नया पदार्थ भी बना और उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। तो इसे कहते हैं केमिकल कंसेप्ट। तो क्लियर हो गई, अभी हमें डिसाइड करना है दो सब्सटेंस के बीच केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। और डिटरमाइन करेंगे हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो पहली कौन सी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद उस सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंस में होने के बाद कुछ सब्सटेंस में से गैस इवॉल्व होती है, मतलब रिलीज होती है। तो गैस रिलीज हुई, इसका मतलब इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हो गई। दूसरा है चेंज इन स्टेट। अभी देखो थ्री स्टेट से मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अभी सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस जब लिक्विड में आएगा तो समझ लेना है हमें उसके बीच में भी केमिकल रिएक्शन हो गई, स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाएगा तो स्टेट चेंज होती है, तो समझ लेना है इनमें भी केमिकल रिएक्शन हो गई। उसके बाद देखो चेंज इन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर में जब बदलाव होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, तो हमें समझ लेना है इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो गई। इसलिए केमिकल रिएक्शन हुई है इसलिए इसका सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा या कम हो गया, तो इससे भी हम डिटरमाइन कर सकते थे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हो सकता है, चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम डिसाइड कर सकेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई या नहीं, तो पहली थी इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी थी चेंज इन स्टेट हमने पढ़ा, तीसरी थी चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट की थी चेंज इन कलर, उसके कलर में भी बदलाव हो सकता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इनके आधार पर हम डिटरमाइन करेंगे कि दो सब्सटेंस के बीच केमिकल रिएक्शन हो गई या नहीं। केमिकल रिएक्शन होगी तो गैस भी इवॉल्व हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है,
टेम्परेचर चेंज हो सकता है और कलर भी उसका चेंज हो सकता है। तो इससे हम डिसाइड कर सकेंगे कि दो सब्सटेंस के बीच केमिकल रिएक्शन हुई है या हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ना है हमें? केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है? केमिकल इक्वेशन। तो देखो, एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन। तो देखो, हमने मैग्नीशियम में क्या ऐड किया? ऑक्सीजन को ऐड किया। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम में मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैग्नीशियम को हम कौन सा सिंबल लिखते हैं? कौन सा सिंबल है उसका? Mg। उसके बाद ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को। अभी बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम एक है, तो मैग्नीशियम को भी हमें दो लेना पड़ेगा। अभी क्या हो गया देखो, 2 Mg और ये ऑक्सीजन भी दो है। तो ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, Mg मतलब मैग्नीशियम और सिंगल O उसे हम कहते हैं ऑक्साइड। हमने पहले वीडियो के पहले ही पढ़ा। तो प्रोडक्ट कैसे होते हैं? O क्या रिप्रेजेंट करता है? तो O रिप्रेजेंट करता है ऑक्साइड। तो इस तरह से हमें केमिकल इक्वेशन को लिखना है। तो मैग्नीशियम, उसमें ऑक्सीजन डाला तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के Mg लिखना है, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखना है, ये दो है इसलिए इसको भी दो लेना है, तो बनेगा 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पहचान कैसे करें हम रिएक्शन में। तो इसे पहचानने के लिए हम इस सिर्फ ट्रिक से भी इसे पहचान सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट कौन होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, इनकी डिफाइन भी बनाएंगे। द सब्सटेंसेस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन है, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, मतलब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। अभी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एग्जांपल से बच्चों ये सारी कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? द सब्सटेंसेस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंसेस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं उसे हम? प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो उसे कहना है रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, बनते हैं, नए नए सब्सटेंस बनेंगे तो उसे हमें कहना है प्रोडक्ट। कैसे पहचानेंगे? दिमाग लगा के पहले एग्जांपल्स को देखेंगे। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट पहला देखेंगे, Mg+O2। Mg मतलब आपको पता है मैग्नीशियम, O2 मतलब आपको पता है ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? दो। मुझे मैग्नीशियम भी कितने लेने पड़ेंगे? दो। तो इसका मतलब 2 MgO बनेगा। तो Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम और सिंगल O है तो उसे हम क्या लिखते हैं? पहले भी हमने वीडियो के पहले ही देखा है, ऑक्साइड लिखते हैं। अभी ये दोनों सब्सटेंस ने केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए तो ये दोनों ही इन्वॉल्व हो गए तो ये बनेंगे रिएक्टेंट्स, और इन दोनों को मिला के ये बनेंगे रिएक्टेंट्स। अभी इन दोनों के मिला के ये सब्सटेंस बना तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। अभी सिंपल लाइन में हम कैसे समझेंगे? इस एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में जो होते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं।
समझो फिर एक बार, एरो के लेफ्ट साइड में जो होते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट साइड में होते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो एरो के लेफ्ट हैंड में जो भी होते हैं सब्सटेंस उसे रिएक्टेंट कहना, और राइट साइड में होते हैं उसे हमें प्रोडक्ट करना है। सब्सटेंसेस टेक पार्ट इन केमिकल, ये दोनों ही सब्सटेंस ने केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए, रिएक्टेंट है, और ये सब्सटेंस बना उसे फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, ये बना उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और एग्जांपल देखेंगे, दो कॉपर सल्फेट, कॉपर के लिए Cu, सल्फेट के लिए SO4, तो ये Cu मतलब कॉपर और SO4, इसे क्या लिखते हैं हम, सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस उसमें Fe डालेंगे हम, तो Fe को हम क्या कहते हैं, आयन। अभी बच्चों देखो यहाँ से क्या बनेगा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको प्रोडक्ट तो ढूंढना है, तो हमने जो पहले प्रोडक्ट्स लिखे थे उसमें से यहाँ पे कौन आ गया है, SO4। अभी देखो हम एक Cu लिखना है, यहाँ पे Cu लिखा हमने, तो SO4 लिखेंगे तो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो इस SO4 को इसके साथ लिखेंगे, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, Fe और ये SO4, तो Cu मतलब कॉपर, Fe मतलब आयन, और SO4 मतलब सल्फेट, तो आयन सल्फेट बनेगा। कैसे एग्जांपल को सॉल्व किया, CuSO4 कॉपर सल्फेट था, उसमें आयन हमने ऐड किया, तो यहाँ पे SO4 ये प्रोडक्ट है, तो मैंने क्या किया, Cu को लिखा, लेकिन SO4 को उसके साथ नहीं लिखा, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो SO4 को इसके साथ लिखा, तो FeSO4। और हमने क्या पढ़ा था, हमें अभी पहचानना है रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, तो एरो के लेफ्ट साइड में जो है ना ये सब, ये क्या है, रिएक्टेंट्स होते, क्या होते हैं लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट्स, तो एरो के लेफ्ट साइड में जो है ना उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। कौन कौन से रिएक्टेंट है, कॉपर सल्फेट एंड आयन, और एरो के राइट साइड में इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। अभी प्रोडक्ट कौन कौन सा बना, कॉपर एंड आयन सल्फेट, तो हमें इससे एक ही बात ध्यान में लेनी है, जो सब्सटेंस लेफ्ट साइड में होते हैं एरो के उसे रिएक्टेंट को, और राइट में होते उसे हमें कहना है प्रोडक्ट। तो इसी तरह से सारी कंसेप्ट को हमें क्लियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते, तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हमें चार इंपॉर्टेंट टाइप्स को पढ़ना है। तो पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो टाइप है उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो पहला टाइप कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप कौन सा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप है बच्चों उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा टाइप है उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें कुल मिला के चार टाइप्स को पढ़ना है। तो पहला टाइप कौन सा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप कौन सा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट। और चौथा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें हर एक रिएक्शन के ढेर सारे एग्जांपल देखे, उनकी कंसेप्ट को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले बच्चों हमें कंसेप्ट क्लियर करनी होगी, और कंसेप्ट के बाद हम डेफिनेशन को बनाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो सब्सटेंस है मेरे पास, एक ए और उसमें बी को हम ऐड करेंगे। अभी इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ए बी। देखो मेरे पास ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, इन कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को एक साथ लाओ, और दोनों ही एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। अभी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स इसमें से पहला देखेंगे हम, हमारे पास एक मैग्नीशियम है, उसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो यहां पे ये मैग्नीशियम था,
और O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, उसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। अभी बच्चों यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम को भी हम दो लेंगे, तो क्या बनेगा, 2 Mg, दो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी दो बने। तो Mg का मतलब क्या होता है आपको भी पता है, मैग्नीशियम, और O का मतलब होता है ऑक्साइड, सिंगल O होगा तो ऑक्साइड। मतलब कितने सब्सटेंस हो गए, दो रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कितना बना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब इसी से हमें डिफाइन को बनाना होगा। और एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, दो मेरे पास एक कार्बन है, अभी कार्बन में हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिखेंगे। अभी दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो बनेगा CO2, तो CO2 मतलब आपको भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना। मतलब रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में दो है और दो रिएक्टेंट से एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट दो ने, दो से एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी दो सब्सटेंस है, दो से एक सब्सटेंस बना। ये एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने के बाद डेफिनेशन बनानी है, एग्जांपल्स तो क्लियर है, यहाँ पे दो सब्सटेंस है, दो से एक बना, यहाँ पे दो सब्सटेंस है, दोनों से एक बना, ये भी दो है और दोनों से एक बना। अभी हमने पढ़ा था एरो के राइट में प्रोडक्ट है और लेफ्ट में रिएक्टेंट है, एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट है, राइट में प्रोडक्ट है, तो इसी के आधार पे हमें डेफिनेशन भी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो प्रॉपर, द केमिकल रिएक्शन इन विच, केमिकल रिएक्शन इन विच, तो एक केमिकल रिएक्शन है और उस रिएक्शन में ये सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, सिंगल प्रोडक्ट इज अ फॉर्म, तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन किससे बनता है, फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट से जब एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दो रिएक्टेंट से इससे एक बना, ये दो रिएक्टेंट से इससे एक प्रोडक्ट बना, ये दो रिएक्टेंट से इससे एक प्रोडक्ट बना, मतलब दो रिएक्टेंट्स एक साथ आके एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इतनी सिंपल है डेफिनेशन, है डेफिनेशन को भी हमें बाइट नहीं करना, यहाँ से ही समझ आती है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, किससे बन रहा है, टू आर मोर रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो और एग्जांपल हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीसरा एग्जांपल देखो, हमें हाइड्रोजन लेना है, उसे हम लिखते हैं H2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो ऑक्सीजन के लिए हमें लिखना है O2। अभी बच्चों H और O से क्या बनेगा, H2O, ये आपको पता है, तो हमने H2O लिखा, लेकिन ऑक्सीजन दो है तो मुझे यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन चाहिए, तो इसे हमें दो से गुना करना पड़ेगा। अभी ये दो ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने बने, 2 2s are 4, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो है तो बैलेंस करने के लिए और दो लेने पड़ेंगे, 2 2s are 4, तो ये चार हाइड्रोजन बने और दो ऑक्सीजन बने, मतलब दो रिएक्टेंट्स एक साथ आने के बाद एक ही प्रोडक्ट बना, तो उसका नाम था वाटर। तो ये एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, आयन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर, तो आयन के लिए हम क्या लिखते हैं, Fe, इसे लिखेंगे हम आयन, और इसमें S लिखेंगे, तो S का मतलब होता है सल्फर, तो सल्फर के साथ आयन पाउडर को हम हीट करेंगे, ये दोनों ही एक साथ आएंगे और क्या बनेगा, FeS, F मतलब आयन और S मतलब सल्फाइड, तो यहाँ पे क्या बना, आयन सल्फाइड बना, क्या बना, आयन सल्फाइड। गैस इज कंबाइन विथ क्लोरीन गैस, तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं, H2, तो ये बना हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, और क्लोरीन गैस के लिए भी हम क्या लिखते हैं, Cl2, दो डाई मोलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बनेगा क्लोरीन। अभी बच्चों इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो क्या बनेगा, देखो H
आर ये सी एल, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, लेकिन ये भी दो है, ये भी दो है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दो, तो ये बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन हो गए और इसमें से एक ही प्रोडक्ट बना, तो ये भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर सिक्स को देखेंगे हम, अभी सोडियम को लेंगे तो Na लिखेंगे सोडियम का सिंबल, तो मेटल इसलिए हम 2 लिखते हैं, उसके बाद उसमें क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं, तो क्लोरीन को लिए हम लिखते हैं Cl2। तो अभी बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे देखो Na सोडियम भी है और क्लोरीन भी, ये लिख के लेना है। अभी ये इसमें कोएफिशिएंट 2 है तो इससे 2 लगाओ, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, मतलब इस एग्जाम्पल में भी दो रिएक्टर एक साथ आ गए, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। अभी देखो बच्चों उसमें हम ऐड करेंगे कैल्शियम, इसके लिए हमने लिखा सी है, ऑक्साइड के लिए हम लिखते हैं ओ, तो ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस उसमें हम वाटर को ऐड करते हैं, तो वाटर को क्या लिखना है आपको मालूम है, वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2, तो उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे। अभी दोनों से क्या बनेगा ये देखना है, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये CA तो हम लिखेंगे, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन कितने बनेंगे 2, और हाइड्रोजन भी कितने हैं 2, तो दोनों को एक साथ लिखो, OH कितने 2, तो CA मतलब कैल्शियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों वीडियो के पहले हमने देखा है OH को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो दो रिएक्टेंट एक साथ आ गए और उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक प्रोडक्ट बना, तो इससे क्या कंसेप्ट क्लियर होती है, जब टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, रिएक्टेंट दो एक साथ आते और उससे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो उस रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों अगली वीडियो में हम क्लियर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अगली वीडियो में भी हम सारी रिएक्शन को ढेर सारे एग्जाम्पल से देखेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे।